अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही तिर्मिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 1669, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कतरे अल्लाह को पसंद है, दो कतरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्या है कि एक खौफ से आंसू बहाना। जो कतरा एक गिरता है, ये कतरा गिरता है तो खौफ से, अल्लाह के डर से गिर गया तो अल्लाह के बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा कतरा वो जो जिहाद के अंदर, जंग के अंदर जो खून का कतरा गिरता है वो अल्लाह को पसंद है। तो दो कतरे अल्लाह को पसंद है, एक जो इंसान के आँखों से गिरता है और दूसरा उसके जिस्म से जो खून के कतरा गिरता है तो अल्लाह को ये पसंद है। वो दो निशान अल्लाह को पसंद है, दो निशान अल्लाह को पसंद है। कौन से निशान? ये एक तो जंग के अंदर जो अल्लाह की खातिर मशक्क़त करते हुए, उसको जंग करते हुए लगा वो निशान जो उसका बाकी रहा, अल्लाह को निशान भी पसंद है। दूसरा वो निशान जो इबादत में उसको लगता है, इबादत में क्या लगता है, वो जो इबादत करता है तो सजदे में जाता है तो सर पे निशान हो जाता है, घुटनों पे निशान हो जाता है, एड़ी के पे जो है टखनों के ऊपर जब वो बैठता है तवर्रुक के अंदर तो उसके अंदर उसको वह निशान हो जाता है। तो इन निशान को भी अल्लाह पसंद करता है। तो दो चीज़ें, दो कतरे, एक आंसू और एक खून का कतरा जो जंग में बहता है तो अल्लाह उसको पसंद करता है। और दो जो निशान इसको पसंद करता है, एक जो जंग के अंदर उसको लगा और दूसरा जो इबादत के अंदर उसको लगता है, तो इसको अल्लाह पसंद फरमाता है।